उधर रुद्रप्रयाग में आग से अफरा तफरी मच गई। यहां बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में देर रात आग लगने से भीषण हादसा हो गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, आश्रम में कई भवन इस आग की भेंट चढ़ गए और उसमें रखा लाखों का सामान भी स्वाहा हो गया। हालांकि आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की ओर से आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि उसी वक्त हुई बारिश के बाद आग पर काबू पाने में आसानी हुई। तो गीता कुटीर आश्रम में आग लग गई, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। रोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गीता कुटीर आश्रम में जो आग लगी, कई भवन जलकर राख हो गए, कितना नुकसान हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है? कल देर रात की बात है, जब बांसवाड़ा के नजदीक नीचे मंदारी नदी के छोटे जहाँ पर आग लगी है, भीषण आग यहाँ पर लगी है। किसान जो है जो काफी भवन कह सकते हैं कि 4 से 5 यहाँ पर भवन है जो जलकर राख हो गए हैं। गीता कुटीर उद्योग पूरी तरह से जलकर राख हो गया और स्थानीय लोग यहाँ पे जब पहुंचे तो आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर सफलता नहीं मिली। तब थोड़ी देर में जब बारिश आई तो तब जाकर जो आग पर काबू पाया गया। कह सकते हैं कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो जान माल की कोई हानि तो नहीं हुई पर लेकिन लाखों का नुकसान यहाँ पर गीता कुटीर उद्योग का हुआ है। और यहाँ जो आकलन है वह प्रशासन की टीम की ओर से अब किया जा रहा है। कह सकते हैं कि बारिश लगातार घाटी में जारी है, काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपके तमाम जानकारी के लिए। तो आग बुझाई जा चुकी है लेकिन नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गीता कुटीर आश्रम में आग लगी थी, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां गीता कुटीर आश्रम में कई भवन जलकर खाक हो गए, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में आग से अफरा तफरी मच गई। यहां बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में देर रात आग लगने से भीषण हादसा हो गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, आश्रम में कई भवन इस आग की भेंट चढ़ गए और उसमें रखा लाखों का सामान भी स्वाहा हो गया। हालांकि आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की ओर से आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि उसी वक्त हुई बारिश के बाद आग पर काबू पाने में आसानी हुई। तो गीता कुटीर आश्रम में आग लग गई, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। रोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गीता कुटीर आश्रम में जो आग लगी, कई भवन जलकर राख हो गए, कितना नुकसान हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है? कल देर रात की बात है, जब बांसवाड़ा के नजदीक नीचे मंदारी नदी के छोटे उद्योग है जहाँ पर आग लगी है, भीषण आग यहाँ पर लगी है। किसान जो है जो काफी भवन कह सकते हैं कि 4 से 5 यहाँ पर भवन है जो जलकर राख हो गए हैं। गीता कुटीर उद्योग पूरी तरह से जलकर राख हो गया और स्थानीय लोग यहाँ पे जब पहुंचे तो आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर सफलता नहीं मिली। तब थोड़ी देर में जब बारिश आई तो तब जाकर जो आग पर काबू पाया गया। कह सकते हैं कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो जान माल की कोई हानि तो नहीं हुई पर लेकिन लाखों का नुकसान यहाँ पर गीता कुटीर उद्योग का हुआ है। और यहाँ जो आकलन है वह प्रशासन की टीम की ओर से अब किया जा रहा है। कह सकते हैं कि बारिश लगातार घाटी में जारी है, काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपके तमाम जानकारी के लिए। तो आग बुझाई जा चुकी है लेकिन नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गीता कुटीर आश्रम में आग लगी थी, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां गीता कुटीर आश्रम में कई भवन जलकर खाक हो गए, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में आग से अफरा तफरी मच गई। यहां बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में देर रात आग लगने से भीषण हादसा हो गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, आश्रम में कई भवन इस आग की भेंट चढ़ गए और उसमें रखा लाखों का सामान भी स्वाहा हो गया। हालांकि आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की ओर से आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि उसी वक्त हुई बारिश के बाद आग पर काबू पाने में आसानी हुई। तो गीता कुटीर आश्रम में आग लग गई, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। रोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गीता कुटीर आश्रम में जो आग लगी, कई भवन जलकर राख हो गए, कितना नुकसान हुआ और फिलहाल क्या स्थिति है? कल देर रात की बात है, जब बांसवाड़ा के नजदीक नीचे मंदारी नदी के छोटे जहाँ पर आग लगी है, भीषण आग यहाँ पर लगी है। किसान जो है जो काफी भवन कह सकते हैं कि 4 से 5 यहाँ पर भवन है जो जलकर राख हो गए हैं। गीता कुटीर उद्योग पूरी तरह से जलकर राख हो गया और स्थानीय लोग यहाँ पे जब पहुंचे तो आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर सफलता नहीं मिली। तब थोड़ी देर में जब बारिश आई तो तब जाकर जो आग पर काबू पाया गया। कह सकते हैं कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो जान माल की कोई हानि तो नहीं हुई पर लेकिन लाखों का नुकसान यहाँ पर गीता कुटीर उद्योग का हुआ है। और यहाँ जो आकलन है वह प्रशासन की टीम की ओर से अब किया जा रहा है। कह सकते हैं कि बारिश लगातार घाटी में जारी है, काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपके तमाम जानकारी के लिए। तो आग बुझाई जा चुकी है लेकिन नुकसान,
जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गीता कुटीर आश्रम में आग लगी थी। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां गीता कुटीर आश्रम में कई भवन जलकर खाक हो गए। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।